हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मनप्रीत किचन एंड ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ में शेयर करूंगी विंटर स्पेशल टमाटो सूप की रेसिपी, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। जी, जितना टेस्टी बनता है उतना ही ज़्यादा हेल्दी है, वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, कोई स्टेप भी आप स्किप मत करना। तो इसे कैसे बनाना है, इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो इसके लिए लेंगे हम सबसे पहले फ्रेश टमाटो, जो कि हाइब्रिड टमाटो ही इसके लिए लेने हैं हमने, 400 ग्राम के आसपास। तो लहसुन, अदरक, अनियन और ये दो तेज पत्ते जाएंगे इसमें, और दो हमने गाजर ली है, और इसमें डालेंगे हम चीनी और थोड़ी सी काली मिर्च। और इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, बस ओनली नमक डालना है। और तड़के के लिए हमने इसमें बटर यूज़ करना है, क्योंकि सूप में हमेशा बटर का ही तड़का लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये वेजिटेबल चॉप कर लेते हैं। तो टमाटो को हमने ऐसे रफली काट लेना है। तो मैंने ये जो है टमाटर 400 ग्राम लिए हैं, इसमें 2 कप सूप बनेगा। और इसमें हमने जो गाजर डाली हैं, तो गाजर जो है सूप को गाढ़ा करने में हेल्प करेगी, तो हमें कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें और कोई सब्ज़ी जाएगी नहीं, बस टमाटर और गाजर ही जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सब्ज़ी कट चुकी है, और ऐसे ही हमने तड़का भी ऐसे रफली काट लेना है। तो चलिए इसको तड़का लगा लेते हैं, और बटर डाल देंगे इसमें 10 ग्राम के आसपास। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बिना ऑयल के बनाना है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना है, तो सारी सब्जियों को आपने बस बॉईल करना है, आधा कप पानी डाल के, और बस उसको छानकर आप सूप रेडी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर आप बटर में तड़का लगा के बनाते हो, तो उसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो ये जो लहसुन, अदरक, अनियन जो है, इनको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो हम कोई तड़का नहीं लगा रहे हैं, बस इनका फ्लेवर लेके आना है हमें। तो अब डाल दे के 2 तेज़ पत्ते और थोड़ी सी जो काली मिर्च है, ये ऐसे ही डाल देनी है हमने। तो ये और कुछ हमने मिर्च वगैरह इसमें कुछ नहीं डालनी है, लाल मिर्च या फिर ग्रीन चिली कुछ भी नहीं डालना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने वेजिटेबल्स चॉप कर ली थी। तो फ्रेंड्स, इसमें कई लोग तो पालक भी डाल देते हैं, लेकिन पालक से फिर जो टमाटर का जो ब्राइटनेस है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए इसमें और कोई चीज़ सब्ज़ी नहीं जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है, मिक्स कर लेना है। और अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालेंगे इसमें 2 छोटे चम्मच, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं नमक इसमें, क्योंकि सूप जो है हमने हेल्दी बनाना है, तो नमक की मात्रा जो इसलिए हमने कम रखनी है। तो चीनी अभी हमने नहीं डाली है, तो इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। तो इसमें इतना ही पानी डालना है, और अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 विसल आने तक इसकी वेट करेंगे, और उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इधर हम बना लेते हैं ब्रेड क्रूटॉन्स। तो फ्रेंड, ब्रेड क्रूटॉन्स को आप माइक्रो में भी बना सकते हैं, या तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं आज जो है ब्रेड क्रूटॉन्स आपको फ्राई करके अच्छे से बना के दिखाऊंगी आपको कि कैसे बनाते हैं इसको, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं सूप में, बहुत यम्मी लगते हैं। तो इधर 2 विसल आ चुकी हैं, और इसको अभी ठंडा होने तक की वेट करेंगे। और इधर मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए हमें, नहीं तो हमारे ब्रेड जो हैं वो जल जाएंगे, जो देखने में ठीक नहीं लगेंगे। तो ये हमने सारे डाल दिए हैं इसमें, तो इनको हल्की आंच पर ही बनाना है, बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर देखने में ठीक नहीं लगेंगे, और ऐसे हल्के से बस गोल्डन ब्राउन होने हैं। तो सारे क्रूटॉन्स जो है एक छलनी की हेल्प से जो एक्स्ट्रा ऑयल है पूरा छान लेना है, और एक प्लेट में हमने इसको शिफ्ट कर देना है। हमारे परफेक्ट एकदम गोल्डन ब्राउन हमारे क्रूटॉन्स बन के रेडी हैं, और एकदम बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इधर देख लेते हैं, हमारे 2 विसल के बाद हमारी सब्जी जो है एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, टमाटो और गाजर जो हैं। तो एक कड़छी की हेल्प से थोड़ा मैश कर देंगे इनको अच्छी तरह से। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी। चीनी इसमें जो है 2 चम्मच मैंने डाली हैं, तो थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 चम्मच जो इसमें परफेक्टली जाएगी। तो अगर आप इसको मिक्सी में पीसना है तो पूरा ठंडा होना चाहिए, लेकिन मैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसको गर्म ही आप कर सकते हो ग्राइंड, लेकिन अगर आपने मिक्सी में करना है तो पूरा ठंडा होना चाहिए, तभी आप ग्राइंड करना। तो एक पतीले के ऊपर हम छलनी रखेंगे, और छलनी में
ये सारा मटेरियल हमने बड़ी केयरफुली डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप मिक्सी में पीसते हो तब तो ये ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर आप हैंड ब्लेंडर से करते हो तो ये बहुत मटेरियल गर्म है। तो कड़छी की हेल्प से हमने अच्छी तरह से इसका पूरा जूस निकाल लेना है टमाटर का, और जो नीचे छलने के बचता है ये जो पेस्ट, इसको भी चम्मच से हमने निकाल लेना है, और जो ऊपर बचा है उसको डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि हमारे कोई यूज़ का नहीं है। तो दो बॉईल इसको कर लेंगे, और अगर चाहो तो इसमें हम थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं करनी है इसके लिए, कुछ रखना नहीं, इसको गर्मा गर्म सूप को सर्व करना है। एकदम परफेक्ट हमारा सूप बन के रेडी हो चुका है, और आप कलर देखिए बहुत ही अच्छा आया है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा एक चम्मच इसमें क्रीम का भी ऐड कर सकते हो, फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने इसमें एक एक चम्मच मैंने ऐड की है क्रीम, और धनिया पत्ते से इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो देखते ही खाने को मन कर रहा है ना, तो बनाइए ये टमाटो सूप, और बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आई होप। और अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, और जो भी न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। तो फ्रेंड्स अब इसमें ऐड करेंगे, जब सर्व करना है तभी आप क्रूटॉन्स डालना, नहीं तो पहले डालोगे तो वो फिर जो है सॉफ़्ट हो जाते हैं, और वो उतने टेस्टी नहीं लगते, लेकिन क्रिस्पी जो क्रूटॉन्स है वो बहुत चमे लगते हैं। तो देखिए एकदम हमारा परफेक्ट सूप बन के रेडी हो चुका है, और बताइए कमेंट सेक्शन में अपने व्यू शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।